अलीगढ़ जिले के कैंपस का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में तीन आवारा कुत्ते एक मासूम बच्ची को नोचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मासूम बच्ची को जमीन पर गिरने के बाद तीनों कुत्ते अपने नुकीले दांतों से हमला बोलते हुए उसके जिस्म पर वार कर रहे हैं। वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AMU कैंपस का है। वायरल वीडियो में तीन आवारा कुत्तों को देखकर बच्ची अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन उस मासूम बच्ची के पीछे दौड़ते हुए तीनों आवारा कुत्ते हमला बोलकर जमीन पर गिरा लेते हैं, जिसके बाद हमला करने वाले तीनों आवारा कुत्ते बच्ची को जमीन पर गिराकर हमला बोल देते हैं और बुरी तरह नोचने लगते हैं। बच्ची की चीख पुकार की आवाज़ सुनकर पास के ही एक खड़ी महिला दौड़कर मौके पर पहुंची और तीनों आवारा कुत्तों को खदेड़कर उसकी जान बचाई। वहीं मासूम बच्ची के ऊपर आवारा कुत्तों द्वारा किए गए हमले का वीडियो AMU कैंपस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो दो दिन पुराना बताया गया है। वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बताया गया है कि इस वीडियो को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष नदीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। वीडियो देखने के बाद स्थानीय लोगों में आवारा कुत्तों को लेकर एक बार फिर से डर का माहौल दिखने लगा है। वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित दिख रहे हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।